आज तीन महारथी, तीन शख्सियतें, तीन व्यक्तित्व हमारे मंच पर हैं। वफा साहब के बारे में सब जानते हैं, इसलिए कोई ऐसा साहित्यिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें वो ना रहते हों और झूम झूम के शेर पढ़ते हैं। जब वो तरन्नुम में पढ़ते हैं तो मुझे अपना तरन्नुम जो है भूल जाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर संजय मिश्रा शौक साहब, रुबाई का बहुत बड़ा शायर पूरी उर्दू दुनिया में, कहीं तशरीफ बैठे, कहीं तशरीफ लखनऊ से हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं संजय मिश्रा शौक। मैं सबसे पहले डॉक्टर अजीज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो वफा साहब पर कुछ अपने दुआइया कलमात पेश फरमा दें ताकि भरपूर दुआओं से इस बज़्म का आगाज़ हो सके। मोहतरम डॉक्टर अजीज अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरमा सत्या पांडे साहिबा, जनाब टी एन श्रीवास्तव वफा साहब, इस स्टेज पे मौजूद तमाम हाजरीन, अजीजों, दोस्तों और साथियों, वफा साहब ने जब शायरी शुरू की होगी तो उन्होंने ये सोचा होगा कि तखल्लुस क्या करें, उनका तखल्लुस क्या हो, और यकीनन जिस लफ्ज को उन्होंने चुना है वो उनके लिए नहायत मुनासिब है। यूं भी वफा, हम लोग जब बचपन में बैतबाजी में हिस्सा लिया करते थे, अंताक्षरी में हिस्सा लिया करते थे, तो हर लफ्ज के साथ जब शेर खत्म होता था तो हमें शेर कहना पड़ता था। उसमें लफ्ज वफा बड़ा कॉमन हुआ करता था। वफा कैसी, कहाँ का इश्क, जब सर फोड़ता ठहरा तो फिर रहे संग दिल, तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। ये गालिब की गजल का शेर है और इस सूरत से हम लोगों ने जाना कि वफा कैसी होती है और क्या होती है, वफा किसे कहते हैं। आज उर्दू शायरी आवाम में मकबूल हो रही है, रोज बरोज आवाम तक उर्दू की आवाज पहुंच रही है और उर्दू की शायरी करने वाले भी हर मुशायरे में आपको मुख्तलिफ मजहब, मुख्तलिफ समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलेंगे और ये बड़ी पुरुम्मीद बात है कि हम जहां बैठे हैं वहां भी लोग शेर व शायरी के नाम से और वफा के नाम से आए हुए हैं। मैं आपको बेइंतहा मुबारकबाद देता हूं। दूसरे, अब वफा साहब की दो दो किताबें रखी हुई हैं, तकरीबन 1200 पेज की। बहुत आसान नहीं है जूदगो होना, इतना कुछ कह जाना, लोग बलानोश तो होते हैं लेकिन कहते नहीं है ऐसे। यकीनन इस किताब को जब मैंने देखा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इतनी जखीम किताबें हैं, और इनको मैंने पलट के पढ़ा तो मुझे ये एहसास हुआ कि यूं ही नहीं कही गई है। इनमें अल्फाज की बंदिश जो है, इसमें रवानी जो है, इसमें हुस्न जो है, वो झलकता है, मालूम होता है। और ये किताबें जो हैं इसीलिए आम तौर से मकबूल होती हैं कि इनमें हर इंसान के दिल की धड़कन होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह किताब भी उतनी ही मकबूल होगी और इसके साथ साथ वफा साहब का नाम हमेशा के लिए जिंदा रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज अहमद साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बड़ा आदमी कम बोलता है और उस कम में बहुत कुछ दिखाई देता है। हमारे पास अल्फाज भले ही ज़्यादा हों लेकिन हम अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकते जब तक कि हम कम अल्फाज में अच्छी गुफ्तगू करने का सलीका ना जाने। एक अंग्रेज़ी के बहुत बड़े राइटर ने लिखा है, लास्कोफिस्की ने, कि मुझे एक बहुत
छोटा सा तुम्हें ख़त लिखना है अपने प्रेमिका को, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सा वक्त चाहिए। छोटे से ख़त के लिए लंबा वक्त लेना, ये एक साहित्यकार का काम है, आम आदमी का काम नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बाज़ लोग मैखाने में जाकर पीते हैं, बाज़ जहाँ पी लेते हैं वहीं मैखाना बन जाता है। तो ये शायर और साहित्यकार का कमाल है। साहित्य ऐसे नहीं कहते हैं कि समाज का दर्पण है, ये समाज का दर्पण बनना पड़ता है, समाज को दर्पण बनाना पड़ता है। ये वो काम है कि अगर नागफनी के जंगल में थोड़ी सी मिट्टी को लीप के वहाँ तुलसी का पौधा लगा दिया जाए, साहित्य का वो काम होता है। तो मैं वफा साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने ये काम किया और बड़ा काम किया, छोटा काम नहीं है। इस पर शोध होना चाहिए, इस पर रिसर्च होना चाहिए, ये बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बात है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको।